नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रोग्राम फॉर नोट में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं पाइथन के बारे में। पाइथन के सीरीज में हम लोग पूरा कंटेंट्स के बारे में जानेंगे कि पाइथन होता क्या है और पाइथन हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके जितने भी कंटेंट्स हैं ना उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पाइथन कंटेंट में हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन में क्या कर पढ़ेंगे हम लोग, ये पाइथन होता क्या है, उसके बाद बेसिक सिंटेक्स एंड डेटा टाइप। पाइथन में जो भी हम लोग यूज करेंगे बेसिक सिंटेक्स, सिंटेक्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसके डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, ऑपरेटर क्या होता है, उसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप और व्हाइल लूप, इसमें कंडीशंस भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, स्विच केस का स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स के बारे में, है ना। फंक्शंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइंड होता है जो पहले से फंक्शंस बना बनाया होता है, और एक होता है जो यूजर डिफाइंड होता है, जो यूजर खुद से फंक्शंस को बनाता है। फिर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, मेन आपका यही होता है कि डेटा स्ट्रक्चर आप लोग समझ लिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं आगे। स्ट्रिंग की हैंडलिंग कैसे करते हैं, यानी कि हम लोग जो भी डेटा हम लोग इनपुट कराते हैं एज ए स्ट्रिंग, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिर फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा कि txt फाइल हुआ, ठीक है, txt फाइल हुआ, उसमें हम लोग किसी भी डेटा को कैसे इनपुट कराते हैं और कैसे उसका रिजल्ट शो कराते हैं, ये चीजें हम लोग फाइल हैंडलिंग के अंदर पढ़ेंगे। अब बात आती है 9th नंबर टॉपिक में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। जब भी आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ये आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका 10 नंबर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है, ये पूरा पूरा कंप्यूटर पे जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारे प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स हम लोग इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी पैकेज। पाइथन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है, वो लाइब्रेरी कौन कौन से होते हैं और कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग पाइथन लाइब्रेरी पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग विद डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, प्रोग्राम के थ्रू डेटा को डेटाबेस में कैसे सेव कराएंगे, ये सारा चीज आप वर्किंग विद डेटाबेस के अंदर पढ़ेंगे। फिर वेब डेवलपमेंट की बात आती है, तो हम लोग वेबसाइट को कैसे डेवलप करेंगे। अब हमारे पास ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, लाइब्रेरी पैकेज कंप्लीट हो गए, और उसके बाद से वर्किंग विद डेटाबेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद से हम लोग वेब डेवलपमेंट के तरफ बढ़ेंगे। वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं और किस तरह से उसका डिप्लॉयमेंट भी करते हैं, ये दोनों चीज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। आजकल डेटा साइंस का ग्रो अप बहुत अच्छा चल रहा है, तो इंट्रो डेटा साइंस के बारे में हम लोग इसकी बेसिक जानकारी में पढ़ेंगे, और फाइनल में आपका होगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, वो सारे चीज आपके इस फाइनल प्रोजेक्ट में कंप्लीट होगा, जिसमें आपका प्रोग्राम प्लस डेटाबेस ये दोनों कंप्लीट होगा। तो ये सारे चीज आपके इस चैनल पे प्रोवाइड होने वाले हैं, और इसको यदि पढ़ना है, इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।